नमस्कार, डोगरी खबरें च तुंदा स्वागत है। मैं राजन बड़ियाल ते खबरें च सबने कशा पहले पेश न अज्जे दियां मुख मुख खबरां। प्रधानमंत्री होरें कृषि भूमि गी बचाने लई सिंगल यूज प्लास्टिक उपर पाबंदी लाने दा कीता आह्वान। जम्मू कश्मीर च भी लागू कीते जा करदे ने ट्रैफिक दे नवे कानून। रजौरी दे जिला विकास कमिश्नर होरें सरहदी इलाकें दा लाया दौरा। पाकिस्तानी गोलीबारी कन्नै प्रभावित लोकें गी सुरक्षा दा दित्ता भरोसा ते डोडा समेत जम्मू दे मते सारे इलाके च भूंचाला दे झटके, नुकसान दी कोई खबर नहीं। ते हुण खबरां विस्तार कन्नै, भारत ने 2030 तोड़ी 2,60,00,000 हैक्टर बंजर जमीन की खेती योग्य बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अज ग्रेटर नोएडा च जमीनें दी रेगिस्तान बनने थमां रोकने बारे संयुक्त राष्ट्र संधि च शामिल देशों च 14वें सम्मेलन COP14 की संबोधित करते हुए यह गल आखी। सिंगल यूज प्लास्टिक उपर रोक लाने के अपने अनुरोध उपर जोर देंदे हुए प्रधानमंत्री होरें आखिया जे वक्त आई गेदा है जे दुनिया की सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना होग। उन्हें आखिया जे प्लास्टिक सेहत उपर बड़ा माड़ा असर करता है ते कन्नै गै जमीने की राई बाई लायक नहीं छोड़ता। उन्हें प्लास्टिक के पर्यावरण के अनुकूल विकल्प विकसित करने लई भारत के संकल्प की दोहराया। नंबर ऑफ फ्रेमवर्क्स बट रियल चेंज विल बी पावर्ड बाय टीम वर्क ऑन द ग्राउंड। India saw this in the case of the Swachh Bharat mission. People from all walks of life took part and ensured sanitation coverage was up from 38% in 2014 to 99% today. सांबा जिले की प्लास्टिक के कचरे थमां मुक्त करने आस्तै सांबा दे डिप्टी कमिश्नर रोहित खजूरिया होरें अज जिला अफसरें ते सरपंचें दी एक मीटिंग लुआई। डिप्टी कमिश्नर होरें मीटिंग दौरान आखिया जे 11 सितंबर थमां 27 अक्तूबर तोड़ी पूरे जिले च स्वच्छ भारत जन अंदोलन चलाया जाग, जिदे तहत प्लास्टिक दे इस्तेमाल ते नुकसान बखी लोकें गी जागरूक करने आस्तै केई कार्यक्रमें दा सरिस्ता कीता जाग। एदे इलावा किस चाली कन्नै एदे उपर रोक लाई जाई सकदी है इस बारे भी लोकें गी समझाया जाग। उनें इस मिशन गी कामयाब बनाने आस्तै पंचायतें दे सरपंचें गी अग्गे बधिए काम करने लई आखिया। प्लास्टिक मटेरियल तो जो हमारी टीमें निकलेंगी मार्केट में, जगहों पे, दुकानों पे जाएंगे, जो 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 लिफाफे प्लास्टिक के बेच रहे हैं उनको पकड़ धकड़ की जाएगी, उनको रोका जाएगा और अवेयरनेस पैदा की जाएगी। दोनों कार्यक्रम साथ साथ चलेंगे, अवेयरनेस भी और पकड़ धकड़ भी, तो दोनों चलेंगे तो तभी सक्सेस होगी। तो उम्मीद है कि इसमें हमको सफलता मिलेगी। सड़क दुर्घटनाएं की घट करने ते ट्रैफिक कानूनें दी खिलाफवर्जी उपर रोक लाने लई केंद्र सरकार ने जेड़े नमें कानून बनाए न उह जम्मू कश्मीर च भी लागू कीते जा करदे न। इस बारे अज जम्मू च मीडिया दे लोकें गी जानकारी दिंदे होई आईजी ट्रैफिक आलोक कुमार होरें दस्सिया जे इस कानून दे लागू होने कन्नै खिलाफवर्जी लई तय कीती गई जुर्माने दी रकम च बड़ा मता वाधा कीता गया है। उन्हें सबने वाहन चालकें ते लोकें गी अपील कीती है जे उह ट्रैफिक कानूनें दा सही ढंगा कन्नै पालन करन। आने वाले टाइम में स्कूल, कॉलेजेस, इवन पब्लिक प्लेसेज, जो इवन बसेस, फाइन करीब करीब 10 गुना के करीब, कुछ मामलों में एक्सेप्शन है लेकिन उसमें बढ़ा है। तो लोगों के खास करके जो वायलेटर हैं उनको अचानक एक सेटबैक जरूर होगा, लेकिन वक्त के साथ वो यूज टू हो जाएंगे। और इनिशियली थोड़े से हमारे, चूंकि ट्रैफिक ऑफिशियल्स के लिए भी एक नया चीज है जिसको एग्जीक्यूट करना है, तो चूंकि रूटीन में करते रहे तो बहुत बड़ी स्थिति नहीं पैदा होगी। हाँ, लोगों में थोड़े विरोध का थोड़ा रहेगा, लेकिन वक्त के साथ वो चीजें। पुंछ जिले की भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के खीरी ग्रां करमांडा च कई सामुदायिक ते निजी बंकर बनी तैयार होने कन्नै ग्रां दे लोक बड़े खुश न। ग्रां दे बसनीकें दा गलाना है जे बंकर बनी जाने करी पाकिस्तान पासिया कीती जाने वाली गोलीबारी च साढ़े परिवार सुरक्षित रहोगन। सरकार पासिया बनाए जाने वाले बंकर काफी मजबूत न ते सीधे गोला पौने उपर भी इनेंगी नुकसान नहीं पुजदा है। करमांडा दे बसनीकें गी निशाना बनाने बारी कई बारी पाकिस्तान थमां गोलीबारी कीती जांदी है, जिंदे च कई जाने दे नुकसान भी पुज्जे है। उन्हें सरकार थमां यह मांग कीती जे जिन्हें इलाके च बंकर पूरी चाली नहीं बने न उत्थे तौले बनाए जान। कड़ी उस घर में जाकर छुप जाते थे, कड़ी उस घर में जाकर छुप जाते थे। तो आज ये इतना है कि फायरिंग जैसी होती है तो ऐसा परिवार जो है जल्दी जल्दी घर में अंदर है। बॉर्डर एरिया में किसी ने देखा नहीं है, इससे पहले किसी ने ना बनाया था ना ही पूछा कि भाई ये लोग कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं। हमारे हैं ही हैं, हमारे हिंदुस्तानी देशवासी हैं,
लेकिन इनका भी को पूछ रहे, लेकिन किसी ने पूछा नहीं है। अब इस वक्त जो है कि बेफिक्र होकर हम यहाँ रहते हैं, हम मोदी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं। रजौरी के जिला विकास कमिश्नर मोहम्मद एजाज असरों ने नौशहरा सैक्टर च सरहदी इलाके का दौरा लाइए पाकिस्तानी गोलीबारी कने पैदा हुई स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान श्री असद होरें कब्जा लाइन के कोल बसे दे डिंग ते और दुए ग्राएं दे लोकें कने मलाटी की ते उन्हें गी हर चाली की सुरक्षा का भरोसा दवाया। इस मौके उपर श्री असद होरें एक बसनीक दे हक च 10,000-40,000 रुपए की रकम राहत के तौर उपर मुहैया करवाने के हुक्म दिते, जिदे घरेगी ते माल डंगरेगी पाकिस्तानी गोलीबारी कारण नुकसान पुजिया। हमारी फौज ने उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया। जो बंकर्स बनाए गए हैं उन्हीं के कारण यहाँ पर जब सीज फायर वायलेशन हुआ तो लोगों ने शेल्टर लिया और उसकी वजह से जो जानी नुकसान है उससे हमें बचाव हुआ। अभी हमने इमीडिएट रिलीफ जो है 40,000 के चेक्स प्रोवाइड किए हैं, उसमें बाकी जो इनकी इनका नुकसान हुआ है उसकी भी हम कंप्लीटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर नाम्स पूरी भरपाई करेगी। भारत चीन विचकार नवी दिल्ली च त्रौं दिनें दी सामरिक आर्थिक वार्ता शुरू होग। इहदे च वख वख मसलें उपर गल्लबात होग जिंदे च बुनियादी ढांचा, ऊर्जा ते फार्मास्यूटिकल शामिल न। इस वार्ता च दौनें मुल्खें दे वर्किंग ग्रुप बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, उच्ची तकनीक, संसाधनें दा संरक्षण, फार्मास्यूटिकल उपर गोलमेज मीटिंग लांगन। इस वार्ता दी सदारत भारत पासिया नीति आयोग दे वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ते चीन पासिया नेशनल डिवेलपमेंट एंड रिफॉर्म्स कमिशन दे वाइस चेयरमैन करगन। इस वार्ता की शुरुआत दिसंबर 2010 च चीन दे प्रधानमंत्री बेन जीबाउन दी भारत यात्रा दौरान उस वेले दे योजना आयोग ते एनडीआरसी वार्ता दी स्थापना परैंत दौने देशों विचकार आपसी सहयोग च बड़ा मता सुधार होया है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रधान रविंदर रैना होरें आख्या है जे बीजेपी पूरी चाली राष्ट्र ते समाज दी लईए पूरी समर्पित है ते ओ अज जम्मू च पार्टी दी तरफा लोआए गए एक समारोह गी संबोधित करा करदे हे जिथे नेका प्रमुख शहरदार ते नेता भारतीय जनता पार्टी शामिल होए। इन्हें लोगों का फुल्लें दे हार पोईए पार्टी च स्वागत किया गया। इस मौके उपर पार्टी के होर भी दुए नेता मौजूद हे। नरेंद्र मोदी साहब और श्रीमान अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों को मजबूत किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिए हैं और केंद्र शासित प्रदेश बनने से, यूनियन टेरिटरी बनने से जम्मू कश्मीर के अंदर और लद्दाख के अंदर अब 73वां संशोधन जो 73rd अमेंडमेंट है पार्लियामेंट की वो लागू हो जाएगी। मकामी मार्केट च फुल्लें दी बद्दी मांग दे चलदे डोडा जिले च फुल्लें दी पैदावार च बड़ा मता वाधा दर्ज कीता जा करदा है। वध फायदा हासिल करने लई किसान रिवायती खेतीबाड़ी थमां हटियै फुल्लें दी काश्त करा करदे न। डोडा दे हजारां बद्दे परिवारें मक्क ते कनक दी फसलें गी रड़ा गी छोड़ियै जम्मू मार्केट च फुल्लें दी बद्दी मंग ते खपत गी दिखदे होई फुल्लें दी खेती करना आरंभ करी दित्ता है। जम्मू गी मंदरें आला शहर आखिया जांदा है, इसलिए इत्थे मंदर बड़ी वध गिनतरी च न। किसानें दा आखना है जे रिवायती किसानी थमां फुल्लें दी पैदावार च 6 गुना वध फायदा हुंदा है। हम तो 5-6 सालों से ये काम कर रहे हैं, फायदा तो इसमें बहुत है, दूसरी फसलों के बनिस्बत इसमें फायदा ज्यादा है। पहले हम मक्का लगाते थे उसमें कम फायदा था, उसके बाद हम जब से फूल लगा रहे हैं तो इसमें हमें लगता है कोई 5 गुना ज्यादा फायदा हो रहा है। पूरे इस इलाके में और जहाँ जहाँ जिसने भी ये फूल लगाए यहाँ पे फ्लोरिकल्चर की डिपार्टमेंट से, तो इनको बनिस्बत जो पहले ये खेती करते थे जैसे मक्की गेहूँ वगैरह, उससे डबल फायदा हो रहा है। ये कटरा उधमपुर च नरोरा स्कूलों के विद्यार्थियों की स्कूलों की नवी इमारत बनाई गई है। इस इमारत का निर्माण 2009 च भारत सरकार आसिया शुरू किए गए फ्लैगशिप प्रोग्राम राष्ट्रीय माध्यमिक सुरक्षा अभियान तहत किया गया है। इस इमारत की नवे ब्लैकबोर्ड, डेक्स, वाटर कूलरें ते बिजली की सुविधा मुहैया की गई है। एदे थमां पहले अध्यापक ते विद्यार्थियों की स्कूलों च बुनियादी सुविधा नहीं होने करी खासी परेशानी पेश आउंदी ही। उत्थे गै एक विद्यार्थी रामपाल होरें आख्या है जे ए सुविधा मिलने कन्नै हुण उनेंगी पढ़ने गितै बेहतर वातावरण हासिल होया है। जे नई बिल्डिंग बनने से हमें
बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि पहले कमरे थोड़े कम थे, हम बच्चों को बैठने में तकलीफ होती थी, इसलिए अब नए कमरे बने हैं, हम अच्छे से पढ़ पाते हैं, टीचर भी हमें अच्छे से पढ़ाते हैं और अच्छे से हमें समझ भी आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमें नई बिल्डिंग बनाकर दे दी, जो रमसा जो स्कीम है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, उसके तहत अब बिल्डिंग बनने से बच्चों के बैठने का अच्छा इंतजाम हो चुका है और हम अच्छे से पढ़ा भी पा रहे हैं, उसका नतीजा ये हुआ है। जिला उधमपुर के लद्दा इलाके के थानीधार हाई स्कूल के सैकड़ा बदे विद्यार्थियों उनके माता पिता ते ग्रां दे लोकें स्कूल च स्टाफ की कमी करी शिक्षा विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, अपने विरोध की दर्ज करवाने की था। उन्हें उधमपुर के सरमोली थार जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सड़कों पर यातायात की रोकया। उन्हें मांग की जो तौले थमां तौले उनके स्कूल च स्टाफ लाया जा। हाई स्कूल थानीधार में टोटली 3 टीचर हैं और 270 के करीब वहाँ पे बच्चे हैं, और दूसरा हमारा मिडिल स्कूल ग्राउंड है, वहाँ पे 3 टीचर हैं, वहाँ पे 260 के करीब बच्चा है और 3 टीचर ये बढ़ा नहीं सकते, और हमारा जो थानीधार हाई स्कूल का जो रिजल्ट है इस बार वो 0 है, तो 3 में से ये कुछ। अजकल उधमपुर जिले के बख बख वार्डे च डेंगू मच्छर के बढ़ते खतरे थमां बचाव है उधमपुर की म्यूनसिपल काउंसिल आसिया तू छोड़ने वाली मुहिम शुरू की गई है। इस महीने के खीरे तोड़ी पूरे शहर के 21 वार्डे च यह काम मुकम्मल करी लिया जाग। उन्हें तोड़ी तकरीबन 50% वार्डे च काम पूरा हो चुके है। उधमपुर की म्यूनसिपल काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष कोतवाल होरें आख्या जे मच्छर फैलाने थमां पहले पहले मेद है जे काम सपूरा हो जाग। हमने ये बरसात मौसम के स्टार्ट होने से ही हमने अपना जो फॉगिंग का कार्यक्रम है वो जारी रखा हुआ है, हर वार्ड में हम फॉगिंग करवा रहे हैं और आज भी हमारी टीम वार्ड नंबर 3 में गई है और शाम को हमारा आज दोपहरी 12:10 पर पूरी चना घाटी च पुंचाला का एक और झटका महसूस किया गया, जिदे करी लोग घरें ते दफ्तरें थमां बाहर उठी आए। रिक्टर स्केल उपर पुंचाला की तीव्रता 5.0 दर्ज की गई ते इहदा दायरा 5 किलोमीटर तक रहा। इस पुंचाला का केंद्र चंबा वार्ड रहा। पिछले 2 दिन च यह त्रीया झटका है। कल बडलै 5:00 के बख विच 2 झटके आए। बडलै कोई 8 बजे ते 8:04 उपर 3.8 ते 4.9 तीव्रता ते 2 झटके महसूस किए गए। माहौल बन गया, कुछ दीवारें भी क्रैक हो गई। कठुआ के जिला प्रशासन ने नगरी सड़कों उपर चक दीवान किरपा राम थारा उपर एक मकामी बसनीक आसिया कब्जाई दी एक कनाल जमीने की सड़काया। जिला प्रशासन आसिया जबरदस्ती कब्जा की गई थारा की सड़काने लई चलाई गई मुहिम तहत एक कार्रवाई की गई है। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ते म्युनिसिपल काउंसिल ने पुलिस के सहयोग कन्ने JCB लाइए कब्जा की गई जमीने उपर हट्टियां ते 2 मंजिला रिहायशी इमारतें गेट आया। डोगरी खबरें दे इस बुलेटिन च इन्ना गै, दियो इजाजत, नमस्कार।